सरप्राइज, गेस व्हाट, आपकी पसंद के कुकीज बनाए। अच्छा, वो व्हाट्स वाले? ओहो, बहुत फैंसी है, बहुत ज्यादा फैंसी। तुम लोग आप पहले कहा, आप कहा है, आप कहा है? वेलकम वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरे प्यार भरा सलाम। आज हम बैक टू स्कूल के लिए खतरनाक से हेल्दी से ओट मील कुकीज बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून बटर है अनसॉल्टेड, इसको हम अपने एक पैन में डाल देंगे और चूल्हा इसका ऑन कर देंगे, बहुत स्लो रखेंगे। तो बेसिकली हमें इसे मेल्ट करने के साथ साथ थोड़ा ब्राउन करना है ताकि बड़ी खुशबूदार सा हो जाए हमारा बटर। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये एक एम्प्टी बोल में हम डालेंगे 1 कप मैदा लेवल्ड है, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम 3/4 टीस्पून सॉल्ट। और अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जो कि हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतने सिंपल है, हेल्दी है, यमी है, और बच्चे जब खाएंगे स्कूल में देंगे, घर में भी रखें, ब्रेकफास्ट में आप भी खा सकते हैं। एक तो बजट फ्रेंडली है, दूसरी ये कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, तीसरा ये कि इसका अगर आप चाहें तो डो भी फ्रीज़र में रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और बना के सारा रख देंगे तब भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे तीनों इन्ग्रीडियंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम दूसरा बोल लेते हैं और बटर को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे। पहले तो मेल्ट होगा और उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा। तो यहाँ देखिए बटर मेल्ट हो गया है लेकिन कलर इसका चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, एक अलग सा फ्लेवर आएगा। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है। तो यहाँ देखें बटर हमारा जो है वो ब्राउन हो गया है। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको अपने एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून सिनेमन, दालचीनी का पाउडर, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और जब इसको मिक्स करेंगे आहा, तब दूर दूर से लोग कहेंगे कोई यहाँ शानदार सा मीठा बन रहा है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप किसी भी किस्म का ऑयल। तो बटर ऑयल हमने इसलिए दोनों चीज़ें ली है कि एक से चुई होगा और एक से क्रिस्प होगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलके अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो ये 1/2 कप ऑयल डाल देंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर। तो शुगर जो है एक तो हेल्थ वाइज भी ब्राउन शुगर अच्छी कहलाती है, नंबर 2 इससे हमारे जो कुकीज़ हैं वो थोड़े चुई बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास ना हो, ना पसंद हो, तब आप वाइट भी डाल सकते हैं। तो ये 1 कप मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और 1/2 कप वाइट शुगर, इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला, अच्छी खुशबू आएगी, अगर है तो डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम ये डाल देंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डाल के जो मिक्सचर रखा था ना, ये डाल देंगे सारा। अगर आपका बटर जो है वो
सॉल्टेड है तब नमक को स्किप करें, अदरवाइज नमक डालें। ये ड्राई इंग्रेडिएंट और लिक्विड जो है वो मिक्स हो गए, और अब इसमें हम डालेंगे किशमिश काली वाली। ओट मील कुकीज़ हो और किशमिश ना हो तो मुझे तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर इनकेस आपको ना पसंद हो तो ना डालें। तो ये है एक कप काली वाली। तो अब ओट मील कुकीज़ है तो ओट मील तो डालना होगा। तो यहाँ देखें हमारे पास ओट मील है जो कि ओल्ड फैशन है, इंस्टेंट नहीं है। अगर आपके पास इंस्टेंट है तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ओल्ड फैशन से बनाने से इसका टेक्सचर जो है वो केकी नहीं होता है, थोड़ा चुई और सॉफ्ट एंड क्रिस्पी अलग थोड़ा सा होता है, लेकिन बना सकते हैं। तो ये 3 कप है और इसको हम मिला लेंगे। चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। हमारे यहाँ ये कुकी सभी को बहुत पसंद है, लेकिन हबी को बहुत पसंद है और उनको पता भी नहीं है मैं बना रही हूँ। ये बहुत थिक होता है इसका बैटर और स्टिकी होता है, लेकिन एग्जैक्टली यही हमें बनाना है। इसी तरह से जुड़ा जुड़ा थोड़ा सा मिक्स करने में ऐसा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे भी एक दफ़ा जब ये खा लेंगे ना तो चॉकलेट चिप कुकी को बाय बाय कर देंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कैलोरीज होती है, बटर वगैरह भी बहुत पड़ता है, चॉकलेट्स पड़ते हैं, ये सारे के सारे हेल्दी ऑप्शन है। इसे आप पतीले में भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं। पतीले में मैंने बहुत सारे कुकीज़ भी बनाए, केक भी बनाए हैं, तो बस उसको पतीले को आप प्रीहीट कर लें मीडियम पे, जाली स्टैंड रख के नमक चाहे तो डाले, ना चाहे तो ना डाले, और फिर कवर करके जब हीट अप हो जाए तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैं ट्रे में कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक ट्रे ली भी है, इस पर मैं डाल देती हूँ ये पार्चमेंट पेपर ताकि सफाई ना करनी पड़े। इसमें हम कुकीज़ बना के डायरेक्ट ही डाल देंगे। मैं जो हूँ मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, तो ये स्कूप आउट करने के लिए इजी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं कुछ भी। ये मेरा 1.5 टेबल स्पून के आसपास का है, तो अगर मैं ज़्यादा भरूंगी तो ये 2 से 3 टेबल स्पून का हो जाएगा। तो आप फील फ्री जितने का भी आपको बनाना हो बनाएं, छोटे बड़े। तो ये इस तरह से हम रखते जाएंगे, फासले से रखेंगे। तो ये देखें मैंने रख दिया है एक एक स्कूप भर भर के। तो अब चूँकि इसमें फैट कंटेंट कम है, डो हमारा हार्ड है, तो ये खुद से नहीं फैलेंगे, तब हमें एक प्याली लेनी होगी जिसमें थोड़ा सा हाथ को गीला करना होगा और इस तरह से इसको फैलाना होगा, इस तरह से सारे इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखें हमारा लास्ट भी हो गया और अवन हमारा प्री हीट हो रहा है 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस। तो इसको अवन में रखते हैं फॉर 10 मिनट्स। टेन मिनट्स हो गए हैं, खुशबू ख़तरनाक आ रही है, तो चले लेकर आते हैं। देखिए कैसे ख़तरनाक लग रहे हैं। और अब ये हम दूसरा बैच डाल देते हैं फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, अब 5 मिनट तक हम इसे गरम गरम ट्रे में ही रखेंगे। इसकी रीज़न ये है कि ये इस वक्त बहुत सॉफ्ट हैं, तो ये इसमें भी कुक होंगे। अगर आप देखें ना यहाँ से, तो ये देखें मैं यूँ कर रही हूँ तो आपको ये सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा होगा। तो 5 मिनट के बाद जाली स्टैंड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, तब हम कुकी को जाली स्टैंड पर रखेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सॉफ्ट था कितना, तो ये फर्म हो गया है। और अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे तो ये बहुत सारे बन जाएंगे।
तो ये जो है हमारे कुकीज ठंडे हो गए, तो इसको डिश आउट करते हैं। और इनको ले आते हैं जाली स्टैंड पे। तो देखिए ये भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। रेडी शफी, क्या हुआ? सरप्राइज, गेस व्हाट, आपकी पसंद के कुकीज बनाए। अच्छा, वो ओट्स वाले? हाँ, ओट मिल कुकी जस्ट फॉर यू। क्या बात है भाई, मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करें और बताएं कि लक कैसे रहे। एंड तो कर क्या, एंड आपसे होने वाला है। मैंने गुड्डू को यही कहा था कि डैडी को सरप्राइज देंगे। बिस्मिल्लाह। ओहो, बहुत फ्रेश है ये तो यार, बहुत ज्यादा फ्रेश है। लो तुम लो। आप पहले कहा, आप कहा है, आप कहा है? गजब का आया टेस्ट है। और आपको सेंटर से कैसा सॉफ्ट पसंद है और आसपास से? सेंटर से सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रेश है ना, इसलिए कड़क तो नहीं है। नहीं ऐसे ही रहेंगे नहीं, और आसपास से क्रिस्पी। बहुत खतरनाक टेस्ट है इसका। जरा मेरी नौ में नहीं बनाया तो बहुत मिस करोगे हम लोग। एग्जैक्टली आपको जो पसंद है वही है। बहुत बेहतरीन है। हाँ, बहुत पहले की बात है, हम कार शोरूम में गए थे तो उन्होंने फ्रेश फ्रेश बेक करके रखे थे और शफी को इतने पसंद आ गए थे, उन्होंने कहा ऐसे तो कभी नहीं खाए, क्योंकि वो बेक किए हुए उन्होंने फ्रेश रखे थे ना। फ्रेश, ये भी बहुत फ्रेश है। मैंने भी बेक करके अभी लेके आई। आते हैं वो तो बेकार है। सिर्फ ये कि आपने उनको बिजनेस दिया था, मुझे बिजनेस नहीं दिया, उनसे कार ली थी। उनसे कार ली। बहुत टाइम हो गया। तो मुझे भी कुछ तो ले। चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मजे करे, मजे करवाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आएंगे सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।